मध्य प्रदेश में अब टू व्हीलर चलाने वालों के लिए बिना हेलमेट सख्ती रहेगी। हालांकि मोटर व्हीलर एक्ट में बगैर हेलमेट दो पहिया वाहनों पर प्रतिबंध पहले से ही है, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले के लिए पुलिस सख्ती करती नजर आ रही है। 6 से 20 अक्टूबर तक विशेष रूप से यह अभियान चलाया जाएगा। कन्नौज में देवास SP शिवदयाल सिंह के निर्देशन में पुलिस के द्वारा टू व्हीलर वाहनों पर बिना हेलमेट के चालानी कार्यवाही करते हुए हेलमेट पहनने की समझाइश भी दी जा रही है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी शिव मूरत यादव ने बताया कि आम जनता की सुरक्षा हेतु बिना हेलमेट के कोई वाहन न चलाए, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। प्रकार के आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास के आदेश के पालन में आम जनता की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन करके चले हों, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ घटित ना हो, और हेलमेट पहने रहेंगे तो उनकी जान को रक्षा रहेगी, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, अभी बिना हेलमेट वाले की जो कार्रवाई चल रही है, कितने का चालान अपने द्वारा कर रहे हैं? अभी तक हमने आज 18 चालान बना दिए बिना हेलमेट वालों के। कितने रुपये चालान काट रहे हैं उसका? एक का 250 रुपये है। और इसके लिए कहाँ कहाँ अभी आपने, जैसे पेट्रोल पंप का आदेश हुआ था, स्कूल का भी हुआ था, कहाँ कहाँ आपने जाके चेक किया, कैसे दे दिया है? नहीं, हम अभी जगह शहर में जगह बदल करके चालान बना रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट पहने हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।